आइए संगीतमय वातावरण में हम सुरती का दीप जलाएं, सुरती का दिया जलाएं, अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस पुनः पुनः लौटा लाएं। मन के जगत से, मन के संसार से, ड्युअलिटी के द्वंद्वों की इस जगत से, भीतर की इस अंधेरी नगरी से हम थोड़ी देर के लिए अपनी सुरती को, अपनी स्मृति को अपने आप में स्थित कर लवाएं। सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना मन माया की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। देखना, एकमात्र देखना और कुछ करना नहीं, अपनी थर्ड आई को जगमगाए रहना, भीतर की आंख से भीतर को देखते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें भीतर नहीं देख सकती, भीतर देखने की आंख थर्ड आई शिवनेत्र तेरे पास जन्म से है, तूने कभी उसका उपयोग नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। विजडम का खजाना है तेरा शिवनेत्र, तेरी थर्ड आई, थोड़ा अवसर देना उसको जगमगाने का। ये तेरा आविष्कार थर्ड आई के प्रति तुझे अस्तित्व में उतार देगा। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, जो भी हो रहा है भीतर उसको जागे जागे देखते रहना, हर पल हर घड़ी निहारते रहना। मन की गतिविधियों में दखल नहीं देना, मन के आयामों में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना, केवल वाच करते रहना जो भी हो रहा है, केवल देखते रहना, वाच करते रहना। तुम उससे हटकर के उसकी गति को देखते रहना, स्वयं संभल जाओगे, स्वयं समझ जाओगे, स्वयं जगमगाते हुए चले आओगे। अपनी एनलाइटेंड स्टेट को उपलब्ध होना, प्रकाशमान स्थिति तेरा स्वभाव है। अंधेरों में जीना ये तेरा स्वभाव नहीं है, मन की आदतों में जीना, अंधेरों में जीना, अंधकार में जीना, ये जन्म अद्वितीय, अनमोल, अमूल्य तेरे हाथ लगा है, केवल इसी एकमात्र डिस्कवरी के लिए, इसी खोज तलाश के लिए। अगर तूने इसको इग्नोर किया तो कहीं का नहीं रहेगा तू, ना दाएं का, ना बाएं का, ना आगे का, ना पीछे का। अगर तूने इस अपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी को इग्नोर किया, जो तू जन्म से ही करता चला आ रहा है, बाहर को प्रायोरिटी देता है, भीतर को इग्नोर करता चला जाता है, तेरे दुख का कारण ही यही है। दुनिया में कोई भी दूसरा तुम्हें दुख नहीं देता, अपना माइंड ही तुम्हें दुख देता है। अपनी मेंटालिटी, अपनी ड्युअलिटी एकमात्र दुखों का घर है। थोड़ा माइंड से हटकर के माइंड की गति को देखते रहना, वाच करते रहना, धन्य धन्य हो जाओगी। मेडिटेट मोर एंड मोर एंड बिकम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी इन स्पिरिट। Meditation makes you free from all bondages, dualities of mind. Keep looking on inside. Simply watch, simply see, simply look. Whatever is happening before you inside, you simply watch it.
बार बार लौटते चले आना अपने स्वभाव में, मन की आदतों से थोड़ा हट करके अपने स्वभाव में लौटते चले आना। हम सब का स्वभाव है जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को। यही कर्म है भीतर जगमगाना, भीतर लौटना अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने दशम द्वार में लौटते चले आना। ये लौटना तुझे लौटपोट कर देगा। थोड़ी देर के लिए माइंड से हटकर के माइंड की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, लगातार वाच करते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट। रियलाइज इट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ओंकार आमीन आमीन। कहाँ जा रहा है तू, किधर जा रहा है तू, क्यों जा रहा है? अंधेरी है मन के, दिया तू जला ले, सुरती का दिया, सेल्फ रिमेम्बरेंस का दिया। अंधेरी है मन के, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा। मन के हाथ लग के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा, कहाँ चला गया, अंधेरों में खो गया, अंधकारमय जिंदगी पिरो गया। बाहर चकाचौंध, भीतर सब अंधेरा, अंधकार ही अंधकार में जी रहा है, अंधेरों की नगरी में जी रहा है। कितना सुंदर एडिसन ने कहा, मरते वक्त कहा, काश कि मुझे मालूम होता कि मेरी डिस्कवरी, मेरी खोज, मेरी तलाश लाइट की, प्रकाश की, बिजली की, मेरे भीतर को जगमगा नहीं सकती, मेरे अंधेरों को विदा नहीं कर सकती, मेरे अंधेरों को दूर नहीं कर सकती। तो कितना अच्छा होता कि जीते जागते अगर मुझे मालूम हो जाता, कोई मालूम कर देता मुझे, कोई महसूस करवा देता मुझे, तो मैं अंधेरों में ना मरता। मन के अंधेरों में मर रहा हूं, दूसरे को प्रकाश देने वाला, दूसरे को लाइट देने वाला, दूसरे को बिजली देने वाला इंसान स्वयं अंधेरों में जा रहा है। कितना आश्चर्यजनक स्थिति है उसकी, दो आंसू लेके जा रहा है एडिसन, मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट। क्या गजब पुकार के कहता है, मरते वक्त कितनी सुंदर दिशा दे गया इंसानी जिंदगी को, कि मैंने 70 साल जिंदगी के जहां लगाए, बहुत बड़ा डिस्कवरी का खजाना पाया मैंने, परंतु मेरा भीतर अंधेरों से लद गया। मन के अंधेरों ने चारों ओर अपना फैलाव क्या किया, कि आज पता चल रहा है मरते वक्त मैं अंधेरों में जा रहा हूं। दुनिया भर को चकाचौंध कर देने वाला, दुनिया भर को प्रकाशमान कर देने वाला स्वयं अंधेरों में जा रहा है, दो आंसू लेके जा रहा है।
भारत की संस्कृति यही है कि इंसान पहले तो स्वयं जाग ले। यह है संस्कृति, सुसंस्कृत जीवन, भीतर की ओर जगमगाना। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं। काश कि तूने जाना होता अपना भीतर, तो तू स्वयं बोलता। अरे उड़ा आड़ा काका न पढ़ने वाला इंसान आज सारी दुनिया में कितना छाया है। उड़ा आड़ा जिसने नहीं पढ़ा, काका गा नहीं पढ़ा, वह पढ़ाई करने वालों को भी सबक दे आया। एक बार गया स्कूल, सबक दे के आया सबको। एक बार गया भक्तराज प्रहलाद स्कूल, सारी दुनिया को सबक दे करके आया। अंधेरे हैं मन के, अंधेरे हैं मन के, दिया तो जला ले कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा। बाहर आना जाना बुरा नहीं, बाहर रहना बुरा है। रहना कष्टदायी है बाहर, रहना अपने भीतर, अपने दशम द्वार में। आना जाना नौ द्वारों में, आना जाना नौ द्वारों में, नौ गलियों में आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है। रहना अपने घर में ही अच्छा रहता है, रहना अपनी सुरती में, अपने दशम द्वार में। एक बार अपने शिखरों पर रहना, धन्य धन्य हो जाओगे। आना जाना कहीं भी बुरा नहीं, रहना अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने दशम द्वार में। बाहर के मकान मिले ना मिले, बाहर घर मिले ना मिले, बाहर निर्माण हो ना हो तेरा, तेरे पास तो बना बनाया घर है भीतर का। जो उसमें प्रवेश करते हैं उनके लिए दुनिया में कहीं कमी नहीं रहती। चारों ओर निवास ही निवास तेरे हाथ लगता है, चारों ओर सारा संसार तेरा लगता है। बाहर के जगत में कछु भी बनाना अपने आप बनता चला जाए, स्वतः बनता चला जाए, स्वयं बनता चला जाए। अगर तुम भीतर स्थिर करते हो, भीतर स्थिर होते हो, भीतर की ओर जगमगाते हो, तो दुनिया में रहने की कोई कमी नहीं रहेगी तुझको। सारा संसार तेरा अच्छा अच्छा भला चलेगा। चला है उनका जिनके नाम लेते हो आज, जिनके नाम पर ना जाने क्या क्या बनाते हो आज, आज जिनके नाम पर ना जाने कितने शिखर बनाते हो। जरा देख लेना उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को देख लेना, कहां जिए थे वो, कहां रहे थे वो। या तो आप उनको माना ना करो, अगर मानते हो तो उनको जानता, उनको जाना भी करो, उनके थोड़े से कदमों पर चला भी करो। वरना यूं ही मत्थे टेक देना और अपनी मांगे अपना भिखारीपन रख देना मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के। अरे कितना महापाप है यहां, तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा दे दुख, दई नाम संतोखिया उतरा मंदी पुख, मन की भूख खत्म हो जाए। ऐसा संतोष जनक जीवन देना मालिक कि मन की भूख ही खत्म हो जाए। मन भूखा हर पल हर घड़ी भूखा, कितना भी पाले, क्या भी पाले, कैसा भी पाले, दुनिया की बादशाहियां पाले, फिर भी मन भूखेगा भूखा रहता। उतरा मंदी पुख, क्या गजब की दिशा उन जागे पुरुषों ने हमको दी। तुद बिन होर जे मंगना, यूं ही मांगते हैं, बोलते कुछ है मांगते कुछ है, बोलते रहते हैं। ये तो बोलने के लिए नहीं है, ये तो जीवन के लिए है। और भिखारी बनकर के कैसे मांगते हैं। और मालिक कहता है तुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा दे दुख, और दुख पिरोना, दुख पे दुख पिरोना है, दुख पे दुख का अंबार पिरोना है। किंतु हम पुनः पुनः मांगते, भिखारी बनकर के खड़े, मंगते बनकर खड़े हैं उनके द्वार पर, ना कि
उनके दीवाने प्यासे रिंद बन के खड़े हैं। कहाँ जा रहा है तू, किधर जा रहा? इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ है, हाइपरटेंशन का शिकार हुआ है, तो बाहर बाहर यूं ही भागा जा रहा है दूसरों के पीछे। मंगते बन बन करके भागते हैं, मंगते बन बन के दरिद्र बन बन के जीते हैं। बाहर कितनी बादशाहियां हैं, किंतु भीतर के दरिद्र, भीतर की गरीबी, भीतर की दरिद्रता पिरोते हैं। भीतर सब गवा डाला, अंधेरों में डुबो डाला, और बाहर बाहर ना जाने कितने शिखरों के मालिक बन के बैठे हैं, भीतर गुलाम बन के बैठे हैं। क्या आश्चर्यजनक स्थिति है भीतर जीवन की। जीवन जाना नहीं, जन्म के पश्चात मृत्यु ही मृत्यु जाना, जीवन तो जाना ही नहीं। जीवन जगमगाने वाले, जीवन को जीने वाले, जीवन की दिशा में उतरने वाले इंसान कभी भटकाव का, कभी भी बिखराव का अंधेरा नहीं पिरोते। वो भगवत्ता की मूर्ति बनकर के, डिविनिटी का महान शिखर बनकर के दुनिया को तारनहार हो जाते हैं। यही है एकमात्र अल्टीमेट गोल जिंदगी का। अगर तूने जन्म के रहते रहते पिरो लिया तो आबाद ही आबाद हो जाओगे, नहीं तो बर्बादी का रास्ता हर कदम पे खड़ा है। हर कदम पे बर्बाद होते जा रहे हो, हर एक कदम पे, हर मोमेंट में, हर क्षण में बर्बादी ही हाथ लग रही है, आबादी तो है ही नहीं। जीवन जाना नहीं, दुनिया भर को जानने में लगे हो। क्या मैटर साइंटिस्ट कहते हैं, मरते वक्त कितनी सुंदर पुकार देकर के गए हैं, कितनी सुंदर दिशा देकर के गए हैं। बड़े बड़े सिकंदर आजम, दुनिया भर के बादशाह सम्राट, मरते वक्त क्या बोल के जा रहा है, उसके बोल पर थोड़ा ध्यान देना। क्या मरते फिरते हो छोटी छोटी बातों के पीछे। कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, थोड़ा भीतर इस शब्दों को उतार लेना, तेरा हर कर्म धर्म बन जाएगा, तेरा हर किया हुआ आबाद हो जाएगा। चार दिन की जिंदगी में वो कर्म कमा जो सदा सदा तुझे आबाद कर दे। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, तू स्वयं देख ले। अब तक जाना, अब तक तूने जो जाना, जो पहचाना, थोड़ा उसको फॉलो कर ले। क्या हाथ लग रहा है तेरे, क्या हाथ लगेगा तेरे, क्या लग रहा है तेरे। यूं ही आसक्तियों के अंधेरों में पिरोना जीवन को बेकार, सौभाग्यशाली होके जीना, भाग्यवान होके जीना, स्वयं भगवत्ता की मूर्ति होकर के जीना। इतना बड़ा शिखर तेरे हाथ लग सकता है छोटी सी जिंदगी में, जिसे तो यूं ही गंवाता चला जा रहा है ड्यू टू इग्नोरेंस। अपने अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ इंसान, इगोइस्टिक। क्या दर्द पैदा करेगा, क्या प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका में उतरेगा वो तो मन के अंधेरों में डूबा हुआ इंसान। क्या कमाएगा वो क्या देगा किसी को। मामूली से तुम भीतर की ओर उतरे, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गाओगे, प्यास दर्द दीवानगी का नगमा गाओगे। धन्यवाद करते करते मालिक का थकोगे नहीं, तुम
वाह वाह की जिंदगी जियोगे। कोई हालात तेरे ख्यालात को बदल नहीं पाएगा, कोई हालात तुझको मिटा नहीं पाएगा। कोई भी हालात अच्छा बुरा आएगा तो फेस करेगा हंसते हंसते। इतनी स्ट्रांग विल पावर का मालिक हो जाएगा तू, घर तो थोड़ा भीतर रहेगा, अपने घर में रहेगा, अपने बंगला में, अपने बंगले में रहेगा तो दुनिया में तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे बारो मास कर्मशील रहेगा तो भी तू कभी थकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी थकान तुझे छू नहीं पाएगी। इतनी स्ट्रांग विल पावर, इतनी एनर्जी का मालिक होकर के जिएगा तू। एनर्जी का खजाना तो स्वयं है, ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना तेरे भीतर है। अगर तूने एक्सप्लोर किया होता, अगर तूने जाना होता, एक्सप्लोर किया होता तो तेरी सारी एक्सपेक्टेशंस बाहर की दुनिया के प्रति खत्म हो गई होती। वाह वाह की जिंदगी जीता, हाय हाय नहीं, वाह वाह फिर होता। और यही संगीत छेड़ता, एक पल एक घड़ी एक मोमेंट में तू अपनी दीवानगी पिरोता। तो निशानी बेनिशान है, यही एकमात्र संगीत छेड़ता तू। तो निशानी बेनिशान है, तू बहारे सरनबी है, तेरा देखना इबादत है। भीतर देखना, अपने में देखना, अपनी ओर जगमगाना। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, तू निशानी बेनिशान है, हो तू निशानी बेनिशान है। तू बहार सर नबी है, तेरा देखना इबादत, तुझे देखना तुझे अनुभव करना, तेरा देखना केवल तुझको देखना, अपने भीतर देखना। जहां तू है वहां तुझे देखना, जहां तू सदैव सर्वदा विराजमान है वहीं देखना तुझको। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, तो निशानी बेनिशान है, तो निशानी बेनिशान। बारे उल्फ ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, तुझे बारे उल्फ जो ना हो सका अभी भी, तुझे बारे उल्फ जो ना हो सका, तुझे इतबारे उल्फत जो ना हो सका अभी भी, मैं समझ गया यकीनन। तेरी आंख भीतर क्या जुड़ी कि तू कभी भी दूसरों में कमी कमजोरी ना देख पाया। तूने अपनी कमी देखा, अपनी कमजोरी देखा, अपने अनुभव से जिया तू। तुझे इतबारी उल्फत जो ना हो सका अभी भी, मैं
मैं समझ गया यकीन, ओ मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीन, मैं तेरी आँखों को ना पा सका, मैं तेरा क्यों ना बन सका, मैं समझ गया यकीन, ओ मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीन, विजडम जगी, अभी मुझ में यही कमी है, मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीन, अभी मुझ में कुछ कमी है, तो निशानी बेनिशान है, तो बहार सरनबी है, तो निशानी बेनिशान है, बेनिशान, दर पे सजदे करना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, यही है रोजा मेरी, यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है, तो निशान